हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक लिपस्टिक का रिव्यू शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली लिपस्टिक से ज़्यादा मैं अमेज़ॉन पे ये जो सेलर जिसने ये प्रोडक्ट डाला है उसका तो मैं लिंक डाल दूँगी आपके लिए इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट एज एन रिकमेंडेशन दैट नॉट टू परचेज़। इसका रीज़न ये है कि ये लिपस्टिक जब मुझे रिसीव हुई है, दो इट इज़ अ गुड ब्रांड एज़ पर YouTube, मतलब बाकी जो मैंने YouTube पे इसके रिव्यूज़ देखे, यूजुअली फॉरेन के यू नो व्लॉगर्स ने या फिर ब्यूटी गाइड्स ने वगैरह ये लिपस्टिक्स का रिव्यूज़ या स्वैचेस वगैरह दिए हैं, बट ये जब हम Amazon पे परचेस किए तो इस एक तो ये पैकिंग में आया है। पहले तो ये नाम आप फैमिलियर हो या नहीं पता नहीं, मैंने तो नायका पे देखा था, पर हाँ ना करते करते नायका पे तो सोल्ड आउट है। फोकैल्यूर, FOCALLURE, ये उसकी स्पेलिंग है। ये तो एक्चुअली फ्रंट कैमरा की वजह से उल्टा दिख रहा। तो ये परचेस ना करने की मेरी एडवाइस रहेगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेलर ऑन अमेज़ॉन, बिकॉज ये मुझे ऐसी पैकिंग में आई है, जबकि ये यूजुअली बॉक्स पैकिंग में आती है। एंड अगर ये ऐसी पैकिंग में आई है तो इस पर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है अदर देन द शेड। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है इसकी पैकिंग पे कि ये मैन्युफैक्चर कब है, इसका एक्सपायरी कब है। तो अब ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है मेरे लिए, दो आई नीडेड इट नीडेड इन द सेंस आई वॉन्टेड टू हैव इट इन माई वैनिटी सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट अब इसको यूज़ करूँ या ना करूँ ये कश्मकश में इंसान रह जाएगा अगर उसको एक्सपायर ही नहीं पता कि ये एक प्रोडक्ट कब एक्सपायर होगा, तो क्या बताएंगे, फिर कैसे यूज़ करेंगे। उसका दूसरा रीज़न ये है कि ये जो स्टिज़ा करके शेड था, ये शेड अगर मैं ओपन करूँ तो इस पे आप देखोगे ना, ये देखो अगर आपको दिख रहा है इस, मतलब इज इट इफ दैट क्लियर, इस पे सब मॉइस्चर आ चुका है। एंड यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि मॉइस्चर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे नहीं आना चाहिए इस तरीके का। सो ये एक लिपस्टिक पे तो ये शेड पे तो आ चुका है। ये दूसरा शेड जो मैंने ऑर्डर किया है, दिस वॉज इंस्टिगेटर पर्पल, डार्क पर्पल शेड है, शेड बहुत प्यारा है, इस पर कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं है, ये नॉर्मल है, बट मतलब शेड अच्छा है, सब अच्छा है, इसके स्वैचेस मैं आपको बता दूंगी वो अच्छा है, पर इसको अब यूज़ कैसे किया जाए। सो रिक्वेस्ट है अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो अमेज़ॉन से ना परचेस करे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेलर, बिकॉज ऐसा दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल ना, ये करेंगे क्या इसका, दिस इज़ नॉट यूज़फुल टू एनी वन। मीन्स आप अपनी फेस पे तो कहीं यूज़ नहीं कर सकते, नॉट इवन एज एन आई शेडो, तो फिर इसका क्या करेंगे। मैंने ये रिटर्न इसीलिए अभी नहीं किया है क्योंकि मुझे ये आप लोगों को बताना था कि ये ऐसा डिलीवर हुआ है, बॉक्स के अंदर सिर्फ दो ऐसे ओपन लिपस्टिक्स थे, मतलब ना इस पर भी कोई कवरिंग थी कि ये सील्ड होगा या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे नहीं पता ये ऐसे सेलर्स को क्यों प्रमोट हो रहे हैं या क्या है। सो मैं आपको सिर्फ स्वैच देती हूँ और इसके बारे में मुझे और कोई रिव्यू देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब दे ही नहीं सकती, अगर मैं अप्लाई नहीं कर सकती तो मैं रिव्यू किस हिसाब से दूंगी कि लॉन्ग लास्टिंग है नहीं है क्या है। एक्चुअली बॉक्स भी नहीं है कि बॉक्स पे कुछ तो मेंशन होगा कि लॉन्ग लास्टिंग है, मैट फिनिश है, सैटिन फिनिश है, क्या है, कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग केस। सो ये जो मरून कलर है, ये देखो मरूनी शेड है और शेड बहुत प्यारा है लगाने पे, और मुझे इसके टेक्सचर के ऊपर से ऐसे लग रहा है कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ वगैरह नहीं है, ये मैट नहीं है, ये नॉर्मल बुलेट लिपस्टिक जैसी होती है वैसी है। एंड सेकेंड जो पर्पल शेड था, ग्रेप्स जैसे होते हैं ना, ये वो शेड हैं।
ये वो शेड है, वो ये भी वैसे ही है, मॉइस्चर वाला लिपस्टिक्स रहता है ना, जैसे मॉइस्ट लिपस्टिक्स वैसा है। कैसे यूज़ करूँ, बस यही आज के लिए। सो दिस इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई साइड टू दिस पर्टिकुलर सेलर ऑन अमेज़ॉन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।